हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 मिनट्स डेजर्ट की रेसिपी। ये डेजर्ट बनाने में बहुत इजी है और बहुत कम टाइम भी लेती है। मतलब आप लोग जब भी मन में है ना कि डेजर्ट खाना, तो आप लोग ये बना सकते हो। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ली हूँ 4 हाइड एंड सीक बिस्किट। ये करीब 25 से 30 ग्राम की थी। इसमें 6 पीसेस आते हैं बिस्किट्स के, तो मैंने ये ली थी। आप लोग कोई और भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हो। तो अब हम इन्हें पैकेट से निकाल कर मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे बिस्किट का। सो यहाँ पे मैंने बिस्किट्स को पीस ली हूँ और इन लोग का एक फाइन पाउडर बन चुका है। तो यहाँ पे देखें, एकदम फाइन पाउडर हमें बनाना है, दरदरा नहीं रखना है। तो अब मैं इन्हें एक बोल में खाली कर लूँगी। सो यहाँ पे अभी हम इन्हें 1 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। और यहाँ पे मैंने ली हूँ 3 बड़े चम्मच बटर और इन्हें हम मेल्ट कर लेंगे। और मेल्ट करने के बाद इसे हम बिस्किट्स के पाउडर में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब तक कि बिस्किट थोड़ा ऐसा नहीं हो जाए कि एक जुट हो जाते ना, सब साथ में बाइंडिंग टाइप में आ जाते, जब तक कि हमें इसे मिक्स करना है। और यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा बटर बच भी गया था, तो इसे हम साइड में रख देंगे। इसे आप कोई और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने एक बोल ली हूँ जिसमें आप लोग आपका डेजर्ट सेट करना चाहते हो, और उसमें आप लोग एक बिस्किट का मिक्सचर ऐड कर दीजिए। सो ऐड करने के बाद अभी हम इसे स्पैचुला से ना अच्छे से प्रेस करेंगे, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, एक बेस टाइप रेडी हो जाए। सो यहाँ पे देखें, मैंने इसे अच्छे से प्रेस करते करते सेट कर चुकी हूँ। अब हम इसे फ्रिज या तो फिर फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए, और जब तक कि हम इसका मूस रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ली हूँ 1 कप चिल्ड व्हिपिंग क्रीम। इसे अच्छे से बीट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए। सो यहाँ पे देखें, मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए बीट कर चुकी हूँ, और अब हम इसे 1 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। और यहाँ पे मैंने ली हूँ 2 से 2.5 बड़े चम्मच कोको पाउडर, और उसमें मैं ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच मिल्क, और इसके हम मिक्स करते करते इसका एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। सो यहाँ पे देखें, मैंने इसे मिक्स करते करते इसे अच्छे से पेस्ट रेडी कर चुकी हूँ। और ये अब हम ऐड करेंगे व्हिपिंग क्रीम में, और मैं पूरा नहीं ऐड करूँगी पहले ही, मतलब मैं तो फिर ही ऐड करूँगी। और आप लोग चाहे तो इसमें पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि कोको पाउडर कड़वा रहता है ना, तो उससे क्रीम में भी थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है, लेकिन हम लोग को टेस्ट अच्छा लगता है, एकदम डार्क चॉकलेटी टेस्ट। और आप चाहे तो पूरा भी नहीं ऐड कर सकते हो। सो इसे मैं ऐसा पहले थोड़ा सा ऐड करूँगी, बीट करूँगी, फिर थोड़ा सा ऐड करूँगी, फिर बीट करूँगी। सो यहाँ पे देखें, हमारी जो मूस है वो अच्छे से रेडी हो चुकी है, एकदम सॉफ्ट पिक्स बने हैं इसमें। सो ये हमारा जो मूस है डेजर्ट का, वो रेडी हो चुका है, और ये बहुत ही यम्मी लगती है। आप लोग ऐसे भी इसे ट्राई करके देखना। सो एक लास्ट इंग्रेडिएंट अब हम इसमें ऐड करेंगे, वो है टूटी फ्रूटी। मैं आधा कप के जितना टूटी फ्रूटी ली हूँ। इससे पहले आधा मैं मूस में ऐड करूँगी, फिर आधा मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए लास्ट में। और आप चाहे तो टूटी फ्रूटी के बजाय चॉकलेट चिप्स ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, किशमिश भी ले सकते हो, या तो फिर स्किप भी कर सकते हो, ऐसे डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारा जो मूस है वो रेडी हो चुका है, और ये जो बिस्किट का हमने बेस सेट होने रखा था फ्रिज में, वो भी रेडी हो चुका है। तो जो हमारा जो मूस है वो अब हम बिस्किट के बेस के ऊपर ऐड कर लेंगे। सो मूस ऐड करने के बाद अब मैं इसे इवनली स्प्रेड कर लूँगी अच्छे से। पूरा मूस मैंने ऐड कर चुकी हूँ। आप लोग को चाहे तो कम भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मूस का ही मेन मज़ा है। और आप लोग चाहे तो ये स्पैचुला से भी ये स्प्रेड कर सकते हो, इससे भी एकदम इवन स्प्रेड हुआ था। और यहाँ पे जो हमने टूटी फ्रूटी बचा के रखा था, सेव करके रखा था, वो मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए ऐड कर दूँगी। सो यहाँ पे हमारा डेजर्ट कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। देखिए इसकी लेयरिंग भी कितनी मस्त आई है। और अब मैं इसे फ्रिज में सेट होने रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में ही रखना है। सो यहाँ पे मैंने फ्रिज कर चुकी हूँ 15 से 20 मिनट के लिए, और ये हमारा जो डेजर्ट है वो रेडी हो चुका है।
और इसकी लेयरिंग भी देखिए कितनी मस्त आई है। सो अब मैं इसे सर्व करूँगी। आप चाहे तो इसमें बड़े बोल में से भी डायरेक्टली खा सकते हो, मैं स्मॉल बोल में ट्रांसफ़र करके खाऊंगी। सो आप लोग भी ये डेजर्ट ज़रूर ट्राई करना, कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें, और आप लोग भी ये डेजर्ट ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छी लगेगी आप लोग को भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।